इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट सुपरसोनिक MiG-21 फाइटर जेट्स की लास्ट दो स्क्वाड्रॉन्स बची हैं जो अगले साल तक फेस आउट होने वाली हैं। 1960s में MiG-21s की इंडक्शन स्टार्ट हुई थी और IAF की लॉन्ग सर्विस में इनका बहुत क्रूशल रोल रहा है, क्योंकि 1960s, 70s और 80s के दौरान एयरफोर्स के पास सिर्फ यही सुपरसोनिक फाइटर्स अवेलेबल थे और लेटर ऑन IAF ने फिर मिराज 2000 और जैगुआर्स की इंडक्शन स्टार्ट की। MiG-21s का 1971 और 1999 कारगिल वॉर के टाइम बहुत अहम रोल रहा है और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के दौरान IAF के एक MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तान के F-16 को शूट डाउन किया था, जिसके बाद ये रशियन ओरिजिन MiG-21 काफ़ी चर्चा में था। एयरक्राफ्ट हालांकि पुराना है, फिर भी इसमें कुछ एबिलिटीज़ हैं जो इसको एक लेजेंड की कैटेगरी में रखती हैं। 2004 में IAF की कोप इंडिया एक्सरसाइज की फर्स्ट एडिशन में US एयरफोर्स पायलट्स को भी MiG-21 का टेस्ट देखने को मिला था। एक्सरसाइज में अमेरिका के F-15 ईगल्स का जब MiG-21s के साथ सामना हुआ तो पूरी डॉग फाइट की 90% फ्लाइट्स में F-15 को डिफीट मिली थी। उस टाइम अमेरिकन पायलट्स ने इंडियन पायलट्स की काफ़ी प्रशंसा की थी और US एयरफोर्स पायलट कर्नल ग्रेग न्यूबैक का कहना था कि इंडियन पायलट्स टैक्टिक्स में बहुत ही स्मार्ट और अपने एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में पूरे तरीके से प्रोफिशिएंट थे, जिसकी वजह से हमारे लिए उस सिचुएशन को ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा US एयरफोर्स पायलट्स के और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की प्रोफेशनलिज्म और स्किल्स की प्रशंसा की है। IAF की नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरास के उस टाइम के कमांडिंग ऑफिसर हरीश नयानी का कहना है कि कोप इंडिया 2004 हमारे लिए बहुत ही एजुकेशनल और एनकरेजिंग थी और हम रिजल्ट्स के बाद काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि ये एक लेसन था कि एक कई डेकेड्स ओल्ड फाइटर जेट अपग्रेड्स के बाद फाइटिंग के लिए इतना फिट हो सकता है। MiG-21 बाइसन की नंबर 3 स्क्वाड्रॉन अभी ऑपरेशनल है, जिसको 2025 में रिटायर किया जाएगा। बता दें कि MiG-21 बाइसन MiG-21 का सबसे एडवांस्ड वेरियंट है। कमांडर नयानी का कहना है कि F-15 जो उस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर था उसके साथ ऑपरेट करना बहुत ही एक्साइटिंग था। दोनों एयरफोर्सेस ने एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफेंसिव काउंटर एयर वर्सेस डिफेंसिव काउंटर एयर सेटिंग में कंडक्ट की थी, जिसमें IAF के पास एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम IL-76 एयरक्राफ्ट की एडवांटेज थी। कमांडर का कहना है कि ये आश्चर्य की बात थी कि बाइसन अपने स्मॉल साइज एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और रडार के कारण कुछ सिनारियोज में F-15 से भी बेहतर हो सकता है। साइज एडवांटेज की बात करें तो F-15 का साइज MiG-21 के मुकाबले काफ़ी बड़ा है और MiG-21 जनरली भी साइज में काफ़ी छोटा है। कमांडर का कहना है कि F-15 के लार्ज साइज की वजह से हमने उसको 20 किलोमीटर से ही विजुअली पिक कर लिया था, बट दूसरी ओर F-15 का पायलट MiG-21 के आसपास होने के बारे में अवेयर भी नहीं था और वो विजुअली ना देखते हुए रडार पर देख रहा था और हमारे बहुत पास था, जो कि हमारे लिए एक इजी टारगेट था। US एयरफोर्स पायलट्स इससे काफ़ी सरप्राइज्ड और एम्बेरस भी हुए और वो एक वैल्यूएबल लेसन से वापस गए कि अगर बाइसन में और अपग्रेड्स किए जाते हैं तो वो F-15 के मुकाबले इक्वली लीथल होगा। और नंबर 2 कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ओल्ड फाइटर्स को भी अपनी स्किल्स और टैक्टिक्स के कारण इफेक्टिवली ऑपरेट करने में कैपेबल हैं। उस टाइम सुखोई 30s के होते हुए भी IAF ने मिक्स को उस वॉर गेम के लिए चूज़ किया, क्योंकि एयरफोर्स सुखोईस को US एयरफोर्स पायलट्स के सामने एक्सपोज करना नहीं चाहती थी। बाइसन की डोमिनेंस से US एयरफोर्स पायलट्स इतने सरप्राइज थे कि वो मिक्स के कॉकपिट को देखना चाहते थे और जब उन्होंने एयरक्राफ्ट के कॉकपिट को देखा तो वो कम्प्लीटली सरप्राइज थे, क्योंकि ओल्ड बाइसन्स के डिस्प्ले सिस्टम में मोस्टली डायल्स और नीडल्स ही थे, बट उनके F-15 में उससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड डिजिटल कॉकपिट थी। MiG-21 सोवियत एरा का बेस्ट नोन और सुपरसोनिक जेट की एविएशन हिस्ट्री का मोस्ट प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट है। 1955 में MiG-21 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और ओवर द पीरियड इसकी 11,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया, जिसको वर्ल्ड वाइड 60 कंट्रीज ने ऑपरेट किया। और इंडिया के साथ अभी भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस सोवियत एरा के सुपरसोनिक फाइटर को ऑपरेट करती हैं। IAF को पहले MiG-21 की डिलीवरी 1963 में हुई और टोटल 874 MiG-21 प्रोड्यूस किए गए, जिनको
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर HAL द्वारा असेंबल किया गया। 1985 में लास्ट MiG-21 बाइसन को प्रोड्यूस किया गया। ओवर द टाइम IF के बहुत सारे मिक्स को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा और उन एक्सीडेंट्स में IF ने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मिक्स लूज किए, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया द्वारा MiG-21 को कई तरह के नाम दिए गए, जैसे कि फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर। बट बहुत सारे IF ऑफिशियल्स ने इस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स को रिजेक्ट किया है। कुछ ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट की स्पीड ही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। उस टाइम पर IF के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स के एडिक्वेट नंबर्स नहीं थे, जिसके कारण पायलट ट्रेनीज को बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जैसे कि HPT-32 से इंटरमीडिएट ट्रेनर एयरक्राफ्ट HJT-16 किरण पर बहुत जल्द शिफ्ट किया जाता था और उसके बाद उनको MiG-21 पर ग्रेजुएट किया जाता था। और सबसे पहले जो चीज़ पायलट्स को हिट करती थी वो थी इस रशियन फाइटर की स्पीड, क्योंकि MiG-21 एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसकी 2 मैक से ज़्यादा की स्पीड है, मतलब साउंड की स्पीड से 2 गुना ज़्यादा, जिसकी वजह से इसकी लैंडिंग स्पीड काफ़ी हाई होती है। बट ट्रेनर्स की शॉर्टेज के कारण IF द्वारा इसको ट्रेनिंग पर्पजेज के लिए यूज़ किया गया और बहुत सारे क्रैशेस भी इसी वजह से हुए। और टेक्निकल एरर्स के बहुत कम इंसिडेंट्स को छोड़कर लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर या फिर बर्ड हिटिंग की वजह से थे। और जैसे हमने बात की कि MiG-21s की बहुत सारी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया, तो नंबर्स ज़्यादा होने की वजह से और एक्सटेंसिव यूज़ के कारण भी मिक्स की एक्सीडेंट परसेंटेज ज़्यादा है। बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी रही, बट उसके बावजूद ये IF की फाइटर फ्लीट के सोल एयरक्राफ्ट्स रहे जिन्होंने इम्पॉर्टेंट मिशंस में अपना योगदान दिया और 60 साल की लंबी सर्विस के बाद कुछ रिमेनिंग ऑपरेशनल मिग्स भी बहुत जल्द अब अलविदा कहने वाले हैं।